सुनो, आज के क्लास में आपको यू लगेगा कि सर हमको पर्सनल अटेंशन देके पढ़ा रहे हैं, तुम लोग का डाउट नहीं पूछेंगे। मैंने हम जो सम कराएंगे ना, ऐसे लगेगा अरे वाह सर मन के अंदर भी घुस के सम करा सकते हैं। हाँ, सबसे पहले बुकलेट 2 क्वेश्चन नंबर 17, झूठ मत बोलना। ऐसे लगेगा सबको पर्सनल अटेंशन देके पढ़ा रहे हैं आज, ऐसा आप लोगों को फील होगा, बहुत कम ऐसा होता है। बस मन में चाहो वो सम नंबर जो मेजॉरिटी का होगा वही सम नंबर आज यहां पर होगा ब्लैक बोर्ड पे। क्या बोला तुम, है ना? सच्ची बोल, हमको पता ही था। सुनो, बुकलेट 2 का क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग पढ़ लो। अरे तुम लोग बात कर रहे हो, तुम लोग पढ़ लो, मेरा सब पढ़ा हुआ है, तुम लोग बस खाली पढ़ के मेरे को बोल देना हम लोग पढ़ लिए। मैं घर से थोड़ा थोड़ा पढ़ के आता हूं, नहीं तो मेरे से होता नहीं क्लास में। जिम श्रेष्ठ। हाँ सुनो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, इसमें मेंबरशिप का कॉस्ट कितना है जिम का? अरे क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। जिम का मेंबरशिप कॉस्ट कितना है? 240। अच्छा, 3 ईयर पीरियड मंथली इन एडवांस देगा, राइट? बुकलेट 2 क्वेश्चन नंबर 17 CT5। द कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखो इसमें बहुत सारा ना दुख का बात है, मैंने जहां जहां पर दुख होता है, द कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी कैंसल्ड एट अ रिन्यूअल एनिवर्सरी। रिन्यूअल एनिवर्सरी मतलब क्या होता है? एक साल के बाद ही कैंसिल हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन, कोई देख के बता सकते हैं क्या? 0.2, क्योंकि वो रिन्यू कराएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। एंड मोर्टैलिटी देखो कैसा दिया है, हर एक एज के लिए सेम दिया मोर्टैलिटी, हर एक एज के लिए मोर्टैलिटी सेम कितना दिया है? 1%। मतलब कोई भी साल का आदमी कोई भी साल जिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 99%। ये सब थोड़ा बेसिक स्टफ है, ठीक है? अच्छा, मंथली इन एडवांस हो रहा है, कुछ इस तरीके का फंक्शन पहले हम लोग को निकालना आना चाहिए। एक मैंने CT5 लेफ्ट ओवर टॉपिक्स का वीडियो डाला था शीट में, जो लोग भी नहीं देखा उसमें देख लेना, उसमें थोड़ा बहुत अहम चीज कराए हैं, तो वो सब का ज्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 घंटे का वीडियो, तुम लोग देख लेना। उसमें स्मॉल टॉपिक्स बहुत सारा कराए हैं, एंड मैं और भी बहुत सारा टॉपिक्स करा दूंगा आपसे, जो भी सब होगा सब एडिशनल है, लाइक इन सब का आने का प्रोबेबिलिटी इज लेस, बट दे कैन कम इन द एग्जाम, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम रिविजन नोट्स, वॉट एवर एक्स्ट्रा टॉपिक्स दैट आई टीच, आने का प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, 4-5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ऐसा नहीं होगा जितना भी सर एक्स्ट्रा टॉपिक्स कराएंगे सब एक साथ आ जाएगा, बट उनमें से कोई एक आ सकता है 4-5 मार्क्स के लिए, तो छोड़ के क्यों जाए टाइम है तो, ठीक है? तो AdU(x1, 12) कुछ इस टाइप का फंक्शन को निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं बताना, जैसे टेबल बुक में आना, टेबल बुक का पेज नंबर 37 में देखो, 36 आई गेस, 36 में है क्या? हाँ, AdU, तुम लोग बोलते थे ना सर ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला कब सिखाएंगे, आज से तुम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, बिकॉज हमने बिना शॉर्टकट के भी बहुत सारे सम्स कर लिए है, ठीक है? अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला का प्रूफ मैंने उस वीडियो में कराया, उसको देख लेना। फैन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फैन चला दो। तो इसको देखो कैसे करेंगे, AdU(x1) क्या लिखा हुआ, माइनस बताना क्या है? माइनस मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 माइनस VPX, क्योंकि एक साल है तो VPX, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या होगा मानसी, इसका वैल्यू क्या होगा, AdU(x1) का वैल्यू क्या होगा? एनविटी पेड इन एडवांस फॉर 1 ईयर, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि आज ही तो एक पेमेंट होगा, तो 1 माइनस 11/24। मेरे को वी पता है क्या, एंड मेरे को पीएक्स पता है क्या? 0.99। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम एक इक्वेशन बैठा रहे हैं, तुम लोग सम को पढ़ लो एक बार पहले। मंथली प्रीमियम सीज इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर, 120 लोग को यह बेचा है, 120 इंटू 240 इंटू, बोलना प्लीज, AdU(x1) 12। अब अंदर में क्या आएगा? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है। अब सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो इंसान मरना भी नहीं चाहिए, मेरे संग संग चलना,
एंड वो रिन्यू भी कराना चाहिए, ठीक है। अब एक तो वी मल्टी, क्या मल्टीप्लाई होगा, वीपीएक्स, वीपीएक्स क्यों मल्टीप्लाई होगा बताना, सॉरी पीएक्स तो हो गया, खाली वी, खाली वी होगा, पीएक्स तो हो गया, अच्छा प्लस और बताना, और बताना, हाँ 0.99 इंटू 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.06 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो इसमें, ठीक है, चलो सबको कर लो। आप लोग को बस खाली इसको कॉपी करना है, सॉल्यूशन घर पे बनाएंगे, खाली इसका वैल्यू निकाल लेना, इस वाले का वैल्यू निकाल लेना, सॉल्यूशन घर पे बनाएंगे, सॉल्यूशन में मेरा कोई दरकार नहीं है। हम चाहते हैं कि आज सबको समझ में आए, और आज से जो क्लासेस है प्लीज उसको मिस मत करना एकदम, सारा रिवीजन क्लास में हो देखना, एकदम कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हो जाएगा एग्जाम तक जाते जाते। कुछ नहीं निकालना बेटा, कोई भी साल के लिए, एक साल जीने का, V तो मेरे को पता है 1.06 टू द पावर माइनस वन, एंड Px क्या होगा 0.99, क्योंकि X पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, X पे तो वो चीज डिपेंड ही नहीं कर रहा था, फिर क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ठीक है। क्या चीज नहीं, 120 240 आई गेस पर एनम है, चेक करो, 240 पर एनम, एंड हेयर वी आर वर्किंग इन एनुअल, सामने वाला, हाँ ठीक है ठीक है, 3 2 कौन कौन देख लिया वो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स वाला क्लास, दो जन बस, कब भेजे थे वाला क्लास, और सम्स वाला क्लास कौन कौन देख लिया है, जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं कि हम लोग को बिना सम्स किए सम हो रहा है तो मैं क्यों देखूं, नहीं नहीं चलेगा, मेरे बिना होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज बताया है, लाइक इफ यू वॉच बुकलेट 4 का सम्स क्लास, उसमें एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें मैंने 0% में सारा चीज कराया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप लोग को सारा सम्स क्लास देखना है, जोर से बोलो, हाँ क्यों चाहिए, बोला है कोई भी एज के लिए मोर्टैलिटी क्या है 1%, चीज समझो, मन में विश मांगिए, विश मांगिए, बुकलेट 3 क्वेश्चन नंबर 11, किसका किसका विश पूरा हुआ, हाथ उठाओ, ऐसे पता चलना चाहिए ना हम कितना लोगों को रीच कर पा रहे हैं, बुकलेट 3 क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ दो जन, अब बाकी लोग तो बोलेगा क्यों हाथ उठाए, करा तो रहा ही है, देखो क्वेश्चन तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, तुमको ये चीज समझना पड़ेगा क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन पहले सुन लो, बैकग्राउंड ले लो, तभी तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, नहीं तो पढ़ भी नहीं पाओगे, ए ध्यान दो फिर तुम फोन करोगे। अभी सुनो, हम ये बोलना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में ना, बहुत ईजी सम है, बहुत 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 ईजी सम है, तुम लोग को सबसे पहले ना मैच्योरिटी, देखो कहां कहां फंस सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन में ना मैच्योरिटी बेनिफिट दिया, सुन लो, और ये बोला है कि मैच्योरिटी बेनिफिट इज डबल द डेथ बेनिफिट, क्वेश्चन मत पढ़ो सुनो बस खाली, अगर मैच्योरिटी बेनिफिट डबल है और मैच्योरिटी बेनिफिट 2 लाख का है तो मरने पे कितना देना पड़ेगा, 1 लाख, सर कैसा बात कर दिए, 1 लाख देना पड़ेगा मरने पे, अब पॉलिसी का ना बीच का टाइम चल रहा है,
पॉलिसी का बीच का टाइम चल रहा है तो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा ना, डेथ बेनिफिट होगा, डेथ बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले तो बताओ डीएसएआर होता क्या है, व्हाट इज डीएसएआर? डीएसएआर मतलब क्या होता है, पॉकेट में कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेन, इंसान मरेगा तो कितना, माइनस अगर इंसान जिएगा तो कितना, दिस इज द थिंग दैट वी हैव लर्न्ड। ओके, तो अगर डीएसएआर हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले ना पूरा ग्रुप का डीएसएआर निकालेंगे, ग्रुप डीएसएआर। तो ग्रुप का डीएसएआर कैसे निकलता है पता है, अगर पूरा ग्रुप मर जाए तो कितना रुपए देना पड़ेगा, माइनस अगर पूरा ग्रुप जिंदा रहे तो हमको कितना का ईयर एंड रिजर्व बनाना पड़ेगा ग्रुप के लिए, ठीक है। अब पूरा ग्रुप तो मरेगा नहीं, पूरा ग्रुप तो मरेगा नहीं, उसका एक सर्टेन परसेंट, वो सर्टेन परसेंट क्या होता है, क्यू, लाइक अगर हम लोग मान लो 69 से 70 का बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, तो मैंने ग्रुप का डीएसएआर निकाल लिया लेकिन ग्रुप तो पूरा तो नहीं मरेगा, मान लो 6% इज द मोर्टेलिटी, तो ग्रुप का डीएसएआर इंटू 6% विल गिव मी वॉट, एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन, विल गिव मी वॉट, एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल डेथ स्ट्रेन, देखो हम लोग को एक्चुअल डेटा भी क्वेश्चन में दे देगा, हम लोग को यह बोल देगा इतने लोग को मैंने क्लेम दिया है जिनका मैच्योरिटी बेनिफिट है इतना, लेकिन दिया क्या एक्चुअल में, मैच्योरिटी बेनिफिट ना डेथ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट बिकॉज अभी मिडिल में चल रहा है, तो मिडिल में मैच्योरिटी बेनिफिट बोलकर कुछ नहीं होता है, दिया क्या है वो लोग को, डेथ बेनिफिट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, जैसे मान लो हम लोग जब निकालते हैं एक्चुअल डेथ स्ट्रेन, तो एक्चुअल डेथ स्ट्रेन का मतलब क्या है, जितना एक्चुअल में मेरे को स्ट्रेन हुआ है तो कितना पे आउट हुआ वो, कितना पे आउट हुआ वो, माइनस ईयर एंड पे उन लोगों के लिए कितना रिजर्व बनाया था, बहुत सिंपल है, जितना पे आउट हुआ वो माइनस उन लोगों के लिए कितना रिजर्व बनाया था, ये मेरा एडीएस है, एडीएस निकल जाएगा माइनस करके क्या आ जाएगा एमपीएमएल, एमपीएमएल बोले तो मोर्टेलिटी प्रॉफिट या फिर मोर्टेलिटी लॉस। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या चीज, अब क्वेश्चन पढ़ो, बताना पूरा ग्रुप मर जाएगा तो कितना रुपए देना पड़ेगा, वर्किंग इन थाउजेंड्स करेंगे नहीं तो पूरा जिंदगी जीरो लिखने में चला जाएगा, इसको दे दो ना 6125, गुड, कौन आंसर किया 6125, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहले डीएसएआर फॉर ग्रुप, संग संग हेडी लगाना डीएसएआर फॉर ग्रुप, तो ग्रुप का डीएसएआर किस तरीके से निकालेंगे, बोल दिया क्वेश्चन में मैच्योरिटी बेनिफिट इज डबल द डेथ बेनिफिट, ठीक है। एज कितना चल रहा है 60, कितना एज चल रहा है 60, ठीक है। तो डीएसएआर के लिए हम लोग को ईयर एंड रिजर्व चाहिए होगा, अच्छा मैच्योर कब हो रहा है 65, तो देखो 60 की हम आज है, हम लोग इस साल का बात कर रहे हैं, हम लोग इस साल का बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का रिजर्व मतलब यहां पर निकालेंगे ना V1 निकालेंगे, तो तुम लोग सबसे पहले रिजर्व निकाल लो। अच्छा रिजर्व कैसे निकालते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड से, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मैं सब भूल गया हूं, रिजर्व कैसे निकालते हैं ईयर एंड का बताना, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो माइनस ईपीवी ऑफ इनफ्लो, आउटगो माइनस इनफ्लो, तो करके पहले रिजर्व निकालेंगे और फिर उसको किससे माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे, सम एश्योर्ड, व्हाट इज द सम एश्योर्ड 6125, अरे पढ़ाई तुम लोग करो मैं नहीं कर रहा हूं, 6125 माइनस ईयर एंड रिजर्व, सेम गोज फॉर द एक्चुअल वाला पार्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, टाइम दे रहे 2 मिनट का, करो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, मैं नहीं कराऊंगा। एंडाउमेंट इंश्योरेंस है बट स्पेशल टाइप का है, तो मैं ये बोल रहा हूं 6125 का तो ये हो जाएगा ए 614 प्लस 6125 वी टू द पावर 4 4p 61 ए 6114, लेकिन इसका आंसर आई गेस तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, हाँ टर्म इंश्योरेंस प्लस 12,250 का प्योर एंडाउमेंट, हाँ बना सकते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस समय में 6125 का टर्म इंश्योरेंस है एंड 12,250 का क्या है प्योर एंडाउमेंट है, एकदम आराम आराम से करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आज अगर डिफिकल्टी नहीं उठाओगे तो कल भी सम्स नहीं बनेगा,
अच्छा ये रिजर्व है नहीं, खाली आउटगो है, ये आउटगो है। माइनस क्या करेंगे बताना, 448 u 61 4। गुड, जोर से बोल बेटा। हाँ प्रीमियम्स तो उतना ही रहेगा ना, तो DACR फॉर ग्रुप किस तरीके से निकालेंगे, 6125 माइनस ये जो V1 आ रहा है, इसके बाद में हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन विच इज DACR। अच्छा कोई बता सकता है क्या कौन सा Q से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा वाला Q से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ तो एक बार प्लीज, प्लीज बोलो ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। सारा सम्स क्लास देखो, ए टू जेड सारा सम्स क्लास देखो, बहुत नॉलेज मिलेगा। जोर से बोलो बेटा। हाँ लाइक सम एंड शॉर्ट कितना चल रहा है, अगर आप ईयर एंड पे पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा तो 6125 ना, बिकॉज तो मैच्योरिटी बेनिफिट, अभी तो मैच्योरिटी नहीं होगा ना, मैं बेनिफिट ही देंगे। CM1 से इजी पेपर नहीं है, अगर ये टफ लग रहा था फिर इसके बाद कोई और कोर्स ज्वाइन कर लेना। CM1 से इजी पूरा एक्चुअल करिकुलम में पेपर नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई CT5 को कोई अगर बुकलेट बनाया है, ऐसे लग रहा होगा सेम सम बार 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 आ रहा है, स्पेशली इन बुकलेट 4, और उसी से आता है 25 नंबर का। अच्छा ADS में क्या करेंगे, प्लीज गिव मी सम हिंट्स, ADS में क्या करते हैं, 100 माइनस V1 करेंगे, लेकिन ये जो V1 निकलेगा ये कौन सा डेटा को लेके निकलेगा, ऊपर वाला ना नीचे वाला, नीचे वाला करो, स्टार्ट करो। लाइक इसका अगर हम V1 निकाले तो क्या होगा, 100A 61 4 प्लस 100V^4 4P 61 माइनस 7A^61 4। बोलो ना, हाँ तुम लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, चलो इसको सॉल्व कर लो, पूरा को सॉल्व कर लीजिए। ADS में कुछ भी नहीं है, आप देखो एक्चुअल में कितना मैंने, अच्छा बताओ एक्चुअल में मैंने कितना पे आउट किया, बस खाली ये बताओ, मैंने पे आउट उन लोगों को किया है जिनका मैच्योरिटी बेनिफिट था 2 लाख, तो एक्चुअल में पे आउट कितना किया, 1 लाख, बिकॉज वो जो ग्राफ उधर बनाए नहीं है, वो जो टाइमलाइन जब बनाएगा तो अभी कौन सा वाला बेनिफिट दे पाएंगे ये रेंट पे, डेथ बेनिफिट। राशि ठीक है, सब हो गया CM1 में पूरा, कुछ बचा है क्या, बचा है
क्या सम्स क्लास सारा देख लो, ठीक है? आज जैसे घर जाओ, फिर कल मेरा क्लास 11 बजे है, तो आज का 4 बजे से लेके कल का 11 बजे तक बहुत सारा हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट वीक में तो नहीं, तुम मैंने बोला नहीं नहीं वीडियोस देखना है, उसमें बहुत सारा पार्ट मिस आउट हो जाएगा। वीडियो सारा देखना है, डोंट, मैंने उसमें बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कराया है, तो वीडियो सारा देखना है। पहले बार कर रहे हो लेकिन वीडियो सारा देखना है, मैं यही बोल रहा हूं बस। आप लोगों को मैं एक और स्पाइरल दूंगा, उसमें मैं लास्ट 3 टर्म्स का, आप लोग जेरोक्स मत कराना, लास्ट 3 टर्म्स का CT1 का पेपर एंड CT5 का पेपर, ठीक है? तो वो क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना और उसका सोल्यूशन हम ड्राइव में अपडेट करा देंगे, तो वो शीट आप लोग को मंडे को सेंटर पे मिल जाएगा, ठीक है? वहां से आप लोग कलेक्ट कर लेना। तो जब पूरा एक संग करेगा ना तब समझ में आएगा। एंड टुमारो आई एम थिंकिंग टू रिवाइज CT1 ओनली द फर्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट संडे को भी क्लास है, नेक्स्ट संडे थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास होगा, तो उस दिन क्या होगा, आप लोग इधर ही बोरिया बिस्तर लेके आ जाना, रजाई चित सब लेके आ जाना, पूरा दिन पढ़ाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर का ये क्वेश्चन है, विश मांगिए विश मांगिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, आपका डाउट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा, प्लीज डाउट पूछो। नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अब। किसका किसका डाउट था, हाथ उठाओ। दो जन, फिर से दो जन, 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, गुड गुड। तुम बताओ कि कितना का पे आउट मैंने एक्चुअल में किया है, कितना का पे आउट हम लोग एक्चुअल में किए हैं? 2 लाख का पे आउट नहीं किए हैं, 1 लाख का पे आउट किया है मैंने। उन लोगों को पे आउट किया है जिनका मैच्योरिटी बेनिफिट कितना था, उन लाख का, उन लोग का मैच्योरिटी बेनिफिट था 2 लाख का, बट पे आउट कितना किया है, 1 लाख, बिकॉज मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया है। दैट मीन हैड दिस बीन अ क्वेश्चन ऑफ द फिफ्थ ईयर तब 2 लाख होता, चीज को समझना, ठीक है? क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएगा बट घुमा के भी आ सकता है। तो अभी हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को वहीं पर साइड रख दो, जितना कॉपी किया इसको घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना, और जो लोग आज घर में जाके इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा फिर से डाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ बुकलेट 3, ध्यान से सुनना। अब पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड ले लो, इसमें बैकग्राउंड में ये है, सुनो ध्यान से देखो, ये 7,40,000 है, सबको दिख रहा है 740? ए यश की बहन इधर देखो, तुम बोर्ड पे 7,40,000, 7,40,000 दिख रहा है सब लोगों को बोर्ड पे? खाली बोर्ड पे देखना इसका, देर इज अ ब्रेकअप, बोर्ड पे देखो कुछ नहीं गिरा है, समझो कुछ नहीं गिरा, इधर देखो बस, 7,40,000 का देर इज अ ब्रेकअप, 725 एंड 15, ठीक है? 725 एंड 15। अभी इस 725 के लिए मैंने 371 का ईयर एंड रिजर्व रखा है। मैं बोल रहा हूं सम एश्योर्ड साल के शुरुआत में था 740, सम एश्योर्ड साल के शुरुआत में था 740, ईयर एंड पे सम एश्योर्ड बचा 725, मतलब कितना का क्लेम दे दिए, 15,000 का क्लेम दे दिए। तो ये जो 725 जो ईयर एंड पे जो बचा है, इनके लिए मैंने रिजर्व कितना का बनाया है, 371, ठीक है? हमको ये बताओ कि अगर 740 होता सम एश्योर्ड तो कितना का रिजर्व होता, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 15,000 वाले के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रिजर्व, ईयर एंड रिजर्व, ठीक है? अब इस समय भी बहुत क्लियर है, क्या चीज क्लियर है बताए,
एडीएस तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 15,000 का क्लेम दिए हैं माइनस इस 15,000 के लिए कितना ईयर एंड रिजर्व होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा एडीएस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ईडीएस, तो ईडीएस के लिए पहले पूरा ग्रुप का डीएसआर निकालना पड़ेगा, पूरा ग्रुप में कितना का सम एश्योर्ड चल रहा है, 740 माइनस करेंगे इस 740 वाले के लिए ईयर एंड का क्या रिजर्व, तो मेरा पूरा ग्रुप का डीएसआर आ जाएगा। अब पूरा ग्रुप तो मरेगा नहीं, कितना लोग मरेंगे, कुछ परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ईडीएस, ठीक है। पढ़ो उस क्वेश्चन को। एंड यहां पर हम लोग वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला था ना, वो जो नेट प्रीमियम रिजर्व वाला जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो वाला लगा सकते हैं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को और करने का ट्राई करो। नहीं, हम तुमको बताते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये पास है सीएमएन, सुन लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहे सर इसका निकालना पड़ेगा ना यूनिटरी मेथड से कर दें। अब हम तुम लोग से पूछते हैं, यूनिटरी मेथड से अगर कर देंगे तो क्या दिक्कत है, हमको इसका आंसर चाहिए, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी किस चीज का, गलत बोल रही हो, सबका 69 है, सबका 69 है। नेक्स्ट और कोई आंसर, अगर इसका आंसर नहीं कर पाएगा तो इसका कमेंट है, कमेंट का भी आंसर नहीं कर पाएगा, और अगर इसका आंसर कर देगा तो कमेंट का भी आंसर कर देगा। बोलो, सोच के बोलो, क्योंकि क्यों नहीं, क्यों अलग क्यों बनेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलना चाहे था कुछ, तुम वो नहीं समझ रहा, हम ये बोल रहे हैं कि यूनिटरी मेथड से क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है वो, सबका अलग अलग पॉलिसी मतलब, गलत बोल रही हो, आओ, अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इश्यूड होल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, प्रीमियम्स ऑन दीज पॉलिसीज आर पेबल एनुअली इन एडवांस, मतलब सारा सिमिलर पॉलिसीज है, तुम पकड़ लिया नंबर ऑफ इयर्स। अब एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड अगर, पीछ पीछ करने का क्या था इसमें, तुम लोग सोचो एक मिनट, यूनिटरी मेथड अगर लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा, हाँ भगवान चल जाए, बहुत महंगा है, हाँ चल रहा है। अभी सुनो, अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना, जैसे देखो ये जो 15,000 है ये वाला हो सकता है 10 साल पहले इशू हुआ हो, एंड ये वाला जो 7,25,000 है ना, हो सकता है इसमें कोई 1 साल पहले इशू हुआ हो, कोई 2 साल पहले इशू हुआ हो, लेकिन सबका एज आज कितना है 69, ड्यूरेशन सेम नहीं है, ओवर ईयर्स बोला है, ओवर ईयर्स का मतलब क्या होता है, सबका ड्यूरेशन सेम नहीं है, तो जो बहुत पहले इशू हुआ होगा उसके लिए रिजर्व ज्यादा ना कम, ज्यादा, जो बहुत पहले इशू हुआ होगा उसके लिए रिजर्व ज्यादा ना कम, ज्यादा, और जो अभी इशू हुआ होगा उसके लिए, अच्छा जो अगर अभी इशू हुआ है तो उसमें, ए, तुम क्या कर रहे, जिस स्पीड से निकाला साइड में रख दे, हाँ, अभी जो मान लो 1 साल पहले पॉलिसी इशू हुआ है तो उस पॉलिसी में अगर वो आदमी मर जाता है तो मोर्टैलिटी प्रॉफिट, मोर्टैलिटी लॉस ज्यादा आएगा ना कम आएगा, हम बोल रहे हैं मान लो 1 साल पहले पॉलिसी लिया था एंड जस्ट 1 साल के बाद मर जा रहा है, तो उस केस में मोर्टैलिटी प्रॉफिट, मोर्टैलिटी लॉस कम आएगा ना ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, बिकॉज रिजर्व तो ज्यादा बनाए नहीं थे ना, इस तरीके से होता है, ठीक है, दिस इज द लॉजिक। यूनिटरी मेथड नहीं कर सकते, अलग से करना पड़ेगा। अब चलो करो इसको, स्टार्ट करो, मैं नहीं करूंगा सर, आप करो खुद से, पढ़ो पूरा क्वेश्चन को अच्छा से, पढ़ो पूरा क्वेश्चन को अच्छा से, कल सब लोग अपना CT1 का रिवीजन नोट लेके आना। अब वो सामने वाला फैन चला दो ना, चला दो, कौन बोला, कुछ बंद नहीं होगा, क्या चीज, पढ़ो यहां पर, पढ़ो तुमको समझ में आएगा, ये दोनों पढ़ो।
कौन समझाएगा मेरे को कि ये जो 371 है ये सिर्फ 725 के लिए क्यों दिया है, लेकिन 371 के बगल में तो देखो 740 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? हाँ, उससे बेटर क्या है कि देख के पता लग रहा है ये ईयर स्टार्टिंग का था, 740 ईयर के स्टार्टिंग का था एंड 725 जो था ईयर एंड इन फोर्स। तो इन फोर्स कितना है? 725 है ना। अब चलो ट्राई करो, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2013 एंड पॉलिसी इश्यू कब हुआ है? 1 जनवरी 2000, मतलब 14 साल हो रहे क्या? अगर 2013 का एंड का बात करेंगे तो 13 साल इधर और 2000 को भी काउंट करना पड़ेगा तो 14 साल पूरा हो रहे हैं। तो इस 15000 के लिए रिजर्व कैसे निकालेंगे? 15000 वन माइनस क्या फॉर्मूला था बताओ, होल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का बताओ मेरे को, देख के टेबल बुक में जाओ पेज नंबर 37 में, देख के बताओ क्या फॉर्मूला है अगर हम लोग को शॉर्टकट फॉर्मूला से करना है तो। एडीयू 70 बाय एडीयू 56, बिकॉज जब वो पॉलिसी लिया उसका एज कितना होगा? 56, होल ऑफ लाइफ है ना। हाँ ठीक है, 4979 पॉइंट। अभी मैं यहां पर निकाल रहा हूं ग्रुप डीएसएआर, ग्रुप डीएसएआर कितना होगा बताना, 7,40,000। ग्रुप का डीएसएआर कितना होगा बताना, करो निकालो, 7,40,000 माइनस, अच्छा 3,71 करेंगे ना, 3,75,979 करेंगे, 3,75,979 पॉइंट समथिंग करेंगे, बिकॉज पूरा ग्रुप का डीएसआर चाहिए ना। तो 7,40,000 अगर जिंदा होता तो कितना का रिजर्व बनाते? क्या चीज नहीं, 4,979 नहीं आएगा, 4,979 नहीं आएगा। फिफ्टीन थाउजेंड तुम बताओ क्या होना चाहिए, ए आज उसका एज कितना है, मैंने जब ईयर एंड पे उसका एज कितना हो जाएगा, बिकॉज ये तो ईयर एंड का है ना, मतलब तुम वी 14 निकाल रहे हो, तो ए 70 ओ 49 पॉइंट। अच्छा इसमें तुमको करने के लिए तो नाम भूल गया ना मैं, हाँ ये देखो पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा, पहले नेट प्रीमियम निकालना पड़ेगा, तो बहुत झमेला है इसलिए नेट में ही कर दे, अगर करना चाहते तो देख पहले ऐसे करेगा, सबसे पहले तो तुम नेट प्रीमियम निकालेगा तो उसमें क्या करेगा 15, हाँ जो एकदम स्टार्टिंग में उसका एज कितना था 56 इज इक्वल, पहले प्रीमियम निकालेगा इज इक्वल टू पी एडीयू 56, फिर जो पी आएगा उसको बैठाएगा 15000 ए 70 माइनस पी एडीयू 70, ठीक है। बट वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अच्छा है, क्या चीज? हाँ ये वाला लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में बताए। कैसे निकाले स्ट्रेस बताओ सबको, ग्रुप डी सर कैसे आ रहा है इसका वॉइस पता अच्छा है, ये जीडीपी में देखना एकदम फाड़ देगा, एकदम ऐसा थोड़ा टोन होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ नहीं उसका क्वेश्चन ये है कि 3,75,000 का रिजर्व क्यों है, 375,983 आएगा, 371 प्लस उस 15,000 वाले वाला, नहीं ये माइनस करना है ना तो उसको, नेट प्रीमियम रिजर्व में क्या क्या आता है बताना, नेट मैं रिवीजन करा रहा हूं CT5 का, नेट प्रीमियम रिजर्व में क्या क्या आता है बताना, पास बोनस, देर इज नो अकाउंट फॉर ऑफ फ्यूचर बोनस, एक्सपेंस नहीं आता है, गुड करो
क्या चीज? कौन सा वाला पार्ट? कौन सा वाला बताओ, ये वाला? देखो ग्रुप डी ए सर में क्या करता है, अगर पूरा ग्रुप जी जाएगा, अगर पूरा ग्रुप मर जाएगा तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 7,40,000। लेकिन अगर पूरा ग्रुप जिंदा रहेगा तो कितना का रिजर्व बनाएंगे उस हिसाब से? तो 7,25,000 वाले का तो रिजर्व दे दिया मेरे को, 371 दे दिया है, बट जो 15,000 उसका भी तो रिजर्व निकाल के ऐड करना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूं अगर पूरा ग्रुप जी जाएगा, मतलब 7,40,000 अगर जी जाएगा तो कितना का रिजर्व बनाएंगे, ठीक है? बट जो ईयर एंड रिजर्व देखो उसमें क्या लिखा है, बोलता है रिजर्व्स हेल्ड ऑन 31st December 2013 फॉर पॉलिसीज इन फोर्स एट दैट डेट, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसमें एडीएस कैसे निकालेंगे बताना? 15,000 माइनस 4,983 ना, और ईडीएस ये नहीं है, ईडीएस क्या करेंगे? डीएसएर ऑफ द ग्रुप इनटू किसका क्यू 60। चलिए सबको पूरा सॉल्व कर लो, 69 होगा। हाँ हाँ, नहीं बेटा बोला है ना पॉलिसीज इन फोर्स, तो ईयर एंड पे कितने के पॉलिसीज इन फोर्स है? 7,25,000। बिकॉज एडीएस कैसे निकालते हैं, कितना दिया माइनस उसके लिए कितना रिजर्व बनाया था? तुम लोग में से कौन मेरे को बताएगा, पहले हाथ उठाओ, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कौन बताएगा हाथ उठाओ? नहीं पहले क्वेश्चन क्यों बताएंगे, कौन बताएगा हाथ उठाओ? जैसिका बताएगी, ठीक है? तो जैसिका का क्वेश्चन ये है, हम एक लाइनिंग चेंज कर रहे हैं इसमें रिजर्व्स वाले में, रिजर्व्स हेल्ड ऑन 31st December 2013 फॉर द पॉलिसीज इन फोर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तब क्या चेंजेस होता सब में? गुड, तो हम लोग को अलग से नहीं निकालना पड़ता, लेकिन अलग से निकालना तो पड़ता ही, नहीं तो एडीएस नहीं निकलता, ठीक है? दिस इज द चेंज, यही था डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन द एग्जाम? 45। गुड, एक्सेल मत छोड़ना, जो एक्सेल को साथ छोड़ देगा एक्सेल भी उसका एग्जाम में साथ छोड़ देगा। टाइम पे खत्म करना बहुत जरूरी है, आता सब चीज होगा लेकिन ये जो पेपर है इसमें टाइम पे खत्म नहीं होता है, एकदम धमाधम धमाधम रेडी करके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें बोला है एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम निकालने, तो 7,40,000 इंटू Q69 विल बी द एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम, कितना आ रहा है बताना, ये वाला सॉल्व करो इसको, 16,447.24। जी सेकेंड वाला, हाँ एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम। नाउ थर्ड में एक बार करना छोड़ दो प्लीज, एक बार करना छोड़ दो, मैं टाइम दूंगा इसके बाद 5 मिनट, तुम लोग कर लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आंसर करेगा हाथ उठाओ, डिफिकल्ट है फिर से, हाथ उठाओ, आधा हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा। गुड गौरव, सुनो अभी सुनना, इसमें बोला है कि हम लोग का एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम था 16,447 का, बट एक्चुअल में हमने खाली 15,000 ही पे किया है। एक्चुअली जब तुम लोग मोर्टेलिटी प्रॉफिट मोर्टेलिटी लॉस निकालेगा तो तुम लोग को लॉस आएगा, इतना का तुम लोग को लॉस आएगा, चीज को समझना। बोल रहे देना था एक्सपेक्टेड 16,447, दिए 15,000,
लेकिन फिर भी नुकसान, ये कैसे? जैसे मान लो बाजार में शॉपिंग करने गया, चीज आना था 16:30 का, मिल गया 1500 में, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया, ऐसा क्यों? सोच के बताना। हाँ, फ्रॉम हेयर एनी वन? ठीक है, और कुछ? सही बोल रहे, हाँ जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। सबको एक एज कंज्यूम कर ले, इसीलिए कमेंट में सबको जीरो मिलता है। नहीं, रिजर्व में प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, डीएसीआर बहुत ज्यादा है, जो पॉलिसी को पैसा दिए है ना उसका डीएसीआर बहुत ज्यादा है, उसका डीएसीआर बहुत ज्यादा है मतलब स्ट्रेन की, समझना, हम बोल रहे कौन मर रहा है, कौन मर रहा है, जो आदमी जो मरा है उसके मरने से हमको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है मतलब जो गैप होता है ना, गैप देना कितना है माइनस कितना रिजर्व बना रखे हैं, और रिजर्व किस तरीके से बनता है, जितना बार प्रीमियम्स आएगा, जितना ज्यादा बार प्रीमियम आएगा, पहले शुरू में लॉस चल रहा होता है, फिर ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट, तो अभी तक वो ब्रेक इवन जो मैंने बोले का मतलब है पॉलिसी उतना मैच्योर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये जो तुम लोग जो एक्चुअल रेशियो निकाले हो 15,000 - 4983, अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये मान लो 7,000 होता ना तो हो सकता है हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस होता, और अगर ये मान लो 9,000 होता ना तो हो सकता है हम लोग को प्रॉफिट हो जाता, चीज को समझना, तो डिपेंड्स इस पे, एंड ये किस पे डिपेंड करता है, पॉलिसी को कितना टाइम हो गया, ठीक है? फिर से ईडीएस पूरा ग्रुप का है, ठीक है, एडीएस से पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तुम ये देखो ना, अभी तुम्हारा इतना का लॉस आ रहा है ना, तुम क्या करता है ईडीएस माइनस एडीएस, ठीक है, तो ये वाला जितना कम आएगा उतना ही बढ़ेगा ना वो, तो फिगर तो तुम ईडीएस माइनस एडीएस कर रहा है, तो ये वाला कम कैसे होगा जब ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा कैसे, प्योर मैथ्स है एकदम, तुम लॉजिक समझो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ईडीएस माइनस एडीएस कर रहे है, ये माइनस कर रहे है, मतलब ये जितना कम होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आई मीन, ठीक है, तो अब तुमको इसको बढ़ाना है ना, रिजर्व जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, अब जैसे मान लो रिजर्व है 10,000, तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ा मेरे पॉकेट में, ठीक है, इसको तुमको कमाना है, ये कमेगा कैसे, जब वो वाला बढ़ेगा, एंड वो वाला पार्ट क्या है, ईयर एंड रिजर्व, और ईयर एंड रिजर्व बढ़ता कब है, जब आप पॉलिसी को बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखते हो, ठीक है, इस सबको पूरा कर लो पहले, अभी हम टाइम दे रहे हैं, सबको पूरा कर लो, होगा हिल पे हनीमून।